हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको कन्वल्यूशन थ्योरम या प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स बताने जा रही हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है इफ एल इनवर्स एफ बार एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड एल इनवर्स जी बार एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी यानी यहाँ पर दो फंक्शन हैं एल इनवर्स एफ बार एस हम ले रहे हैं तो फंक्शन ऑफ एस और जी बार एस इस तरह के दो फंक्शन हैं जिनके एल इनवर्स नोन है तो करेस्पोंडिंग फंक्शन फंक्शन ऑफ टी और जी ऑफ टी हमारे पास है इन दैट केस हम उनके प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं एफ बार एस इंटू जी बार एस तो इन फंक्शन के प्रोडक्ट का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जा सकता है तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं तो एल इनवर्स एफ बार एस इंटू जी बार एस इंटीगल फंक्शन ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू से रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर फंक्शन ऑफ यू इस फंक्शन ऑफ टी में टी को रिप्लेस किया है यू से और जी टी माइनस यू इस जी टी में हमने टी को टी माइनस यू से रिप्लेस किया है इस तरह से जो एक्सप्रेशन मिला है उसका इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स जीरो टू टी करने से जो रिजल्ट मिलता है इसे हम कन्वल्यूशन ऑफ एफ एंड जी कहते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं F -G. इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ प्रोडक्ट दिख रहा है दो लीनियर फैक्टर्स का सिमिलरली एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन इस तरह का एक्सप्रेशन जो है उसका एल एनवर्स फाइन करना इस तरह के क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर फाइंड अगर लिखा हुआ है तो आपको इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है बट अगर आपसे कहा जाए कि इसे कन्वल्यूशन थ्योरम को या प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना है देन कंपल्सरीली आपको इसी प्रोसेस को यूज करते हुए इनको सॉल्व करना होगा तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू यहां पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसके लिए हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो दो फंक्शन हम कंसीडर करते हैं किसी को भी एफ एस और दूसरे को जी एस हम मान लेंगे तो लेट एफ बार एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन और सिमिलर मैनर में जी बार एस इज इक्वल टू टू तो इस तरह के दो फंक्शन हमारे पास हो गए जिनके इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज में आ रहा है उसे मेंशन कर देती हूँ एल इनवर्स वन अपॉइंट एस माइनस ए एंड इट इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी यहाँ पर ए की वैल्यू इस ए से कंपेयर करके आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूले बहुत सारे हैं और उन्हें हमें याद रखना होता है प्रॉपर्टीज को याद रखना होता है तो जहाँ पर मैंने जिस वीडियो में ये फॉर्मूले आपको डिस्क्राइब किए हैं एक बार आप जाकर उसे देख लीजिए तो हेल्पफुल रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अब यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं दोनों इसी फॉर्मूले से सॉल्वेबल है तो हम इनका एल इनवर्स ले लेंगे एल इनवर्स एफ बार एस इज इक्वल टू एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन अब यहां कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू एस माइनस ऑफ माइनस वन रहेगी तो इसलिए यहाँ पर एक की वैल्यू माइनस वन है तो रिजल्टेंट मिल जाएगा इंट टू माइनस टी इस ए की वजह से सिमिलर मैनर में यहाँ पर एल इनवर्स जी बार एस है और इसको हम लिख सकते हैं एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस टू ये डायरेक्टली कंपेयरेबल है ए की वैल्यू टू है तो इस वजह से इसका जो आंसर मिलेगा इू टू टी आ जाएगा इसे हम एफ ऑफ एस का करस्पॉन्डिंग फंक्शन है इसलिए फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे और ये जी बार एस का करस्पॉन्डिंग फंक्शन है इसलिए जी ऑफ टी लिखेंगे तो हमने एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी फाइंड आउट कर लिए हैं आगे का प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम हो जाएगा तो यूजिंग कन्वल्यूशन थ्योरम वी हैव एल इनवर्स एफ बार एस इंटू जी बार एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी फंक्शन ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू ये थ्योरम का स्टेटमेंट है अगर हमारे पास एल इनवर्स एफ बार एस और एलिनवर्स जी बार एस की वैल्यूज हों तो उस कंडीशन में हम इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में अब यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ यू है वो फंक्शन ऑफ टी में टी को यू से रिप्लेस करने से आता है तो इसमें हम टी की जगह यू डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा इेस टू माइनस यू सिमिलर मैनर में जी ऑफ टी में टी की जगह पर टी माइनस यू करना है यहाँ पर हमें टी को यू करना है और यहाँ टी को टी माइनस यू करना है तो एक्सपोनेंशियल की पावर में टू ब्रैकेट में टी की जगह पर टी माइनस यू आ जाएगा इनटू डी यू अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर्स अगर हम अलग अलग करते हैं तो ई रेस टू टू टी इंटू रेस टू माइनस टू यू आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो हम e रेस टू टू टी को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा और e रेस टू माइनस यू और e टू टू यू विथ माइनस एन रहेगा इन टू डी यू इसको अंदर रहने देंगे इंटीग्रेशन के तो ई रेस टू पावर टू टी इंटीग्रल जीरो टू टी ई रेस्ट टू पावर एड हो जाएगी तो माइनस थ्री हो जाएगी माइनस यू प्लस माइनस का टू यू तो फाइनली हमारे पास ई रेस टू माइनस थ्री यू आ गया अब इसे सिम्पलीफाई करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे ई रेस टू पावर माइनस थ्री यू का ई रेस टू पावर माइनस थ्री यू इंटीग्रेशन आ जाएगा और थ्री यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस थ्री आ जाएगा जिसको हम अपॉन में माइनस थ्री लिख लेंगे जीरो टू टी लिमिट पुट कर लेंगे तो ई रेस टू टू टी डिवाइडेड विथ माइनस थ्री और यहाँ पर वैल्यू रखने से आ जाएगा इन टू माइनस थ्री टी और हैं टू एक्सपोनेंशियल को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा e रेस टू टू टी माइनस इज टू माइनस टी और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस वे में हम इजीली मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन है एल इनवर्स ऑफ अपॉन एस एस स्क्वायर यूजिंग थ्योरम सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ एस और जी ऑफ एस दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ये एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है यानी कि यहाँ पर साइन का फॉर्म आएगा और ये लीनियर फैक्टर है यानी एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगेगा तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें एक्सपोनेंशियल की टर्म में टी माइनस यू वाला टर्म आए तो ये कंपेरेटिवली इजीली सॉल्व हो जाएगा तो इसलिए हम जो कंसीडर करेंगे फंक्शंस को उसमें एफ बार एस को हम वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ले लेंगे और इसी तरह से हम जो जी बार एस है उसे करेंगे क्वेश्चन दोनों तरह से सॉल्व किया जा सकता है बट इस तरह से करेंगे तो आसान रहेगा नाउ टेकिंग एल एल इनवर्स इनवर्स तो एफ बार एस स्क्वायर प्लस वन को हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख लेते हैं एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अब हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज में आने हैं एक वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि होगा वन अपॉन ए साइन एटी और दूसरा है एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए इस वाले के लिए जी बार एस के लिए और इसकी वैल्यू आएगी ई रेस टू एटी अब यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए की जगह पर वन है तो यहाँ आ जाएगा साइन टी सिम्पली साइंटी यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगा और सिमिलर मैनर में एल इनवर्स जी बार एस इज इक्वल टू एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन तो इससे हमें कंपेयर करने से ए की वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी इसलिए ई रेस टू माइनस टी रिजल्ट मिल जाएगा जो जी ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगा अब हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम एल इनवर्स एफ बार एस इन जी बार एस जब हमारे पास दोनों फंक्शंस की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी अवेलेबल हैं, इन दैट केस हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी फंक्शन ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है फंक्शन ऑफ यू इसमें टी की जगह पर हम यू कर दें और इसमें टी की जगह पर हम टी माइनस यू कर दें तो इससे हमें मिल जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इनवर्स फंक्शन ऑफ एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इनटू जी बार एस वन अपॉन एस प्लस वन तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन बन गया राइट हैंड साइड में इंटीग्रल जीरो टू टी फंक्शन ऑफ यू तो यहाँ पर टी की जगह यू हो जाएगा साइन यू आ जाएगा और यहाँ जी टी माइनस यू यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस टी की जगह टी माइनस यू रख देंगे और डी यू अब इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए एक्सपेनेशल्स की पावर सेपरेट कर लेते हैं e रस टू माइनस टी और इस टू यू आ जाएगा तो इसे हम e रस टू माइनस टी को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल जीरो टू टी e रस टू यू इन टू साइन यू एक्सपेनेशल की पावर अलग अलग करके हमने इस तरह से लिख लिया डी यू अब ये वेल नोन इंटीग्रेशन है तो इसको हम इसके फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं सो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल ई रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी ये फॉर्मूला होता है ई रेस टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी और यहां पर ए और बी दोनों की वैल्यू वन है इसलिए आ जाएगा ई रेस टू यू अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू साइन यू माइनस कॉस यू क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू वन है और इसकी लिमिट है जीरो टू टी अब लिमिट्स फुट कर देंगे ई रेस टू माइनस टी ये डिवाइडेड बाय टू जो है इसे बाहर लिख लिया एक्सपोनशियल की पावर ई रेस टू टी आ जाएगी साइन टी माइनस कॉस टी जब जीरो रखेंगे जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ई रेस टू जीरो आएगा ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा इंटू साइन जीरो जीरो माइनस कॉस जीरो वन यहाँ पर ई रेस टू जीरो यूज किया है इट इज वन कॉस जीरो वन और साइन जीरो जीरो तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया अब ई रेस टू माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ई रेस टू माइनस टी एंड रेस टू टीस टू जीरो पर माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई रेस टू माइनस टी आ जाएगा तो इस तरह से जो मिला है एक्सप्रेशन यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वल्यूशन थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं इसलिए इस पर बेस्ड कुछ और वीडियोस बना रही हूं थैंक्स फॉर वाचिंग